MCT, India. बंगाल के बाद रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां इस वक्त किसान संगठनों के साथ सरकार की बैठक जारी है। किसान नेताओं के साथ सरकार के तीन मंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ही नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हैं। सरकार के साथ बैठक के पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद आंदोलन के मकसद पर सवाल उठ रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। दरअसल जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हालांकि अपने बयान पर न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर सफाई भी दी, लेकिन उसके पहले डल्लेवाल ने जो कहा उसे आपको जरूर देखना और सुनना चाहिए। किसान आंदोलन में मांग और उसकी पूर्ति के बीच जो सामने आया है वो चौंकाने वाला है। आंदोलन की आड़ में क्या एजेंडा चलाया जा रहा है बीजेपी मोदी और सरकार के खिलाफ? ये सवाल इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन के बड़े नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे समूचे आंदोलन की साख सियासत के भंवर में फंसती दिख रही है। जगजीत सिंह डल्लेवाल कौन है, किसान आंदोलन में इनकी कितनी बड़ी भूमिका है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले जो जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा वो सुनो। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इदा ग्राफ डाउन किवें आ सकता है। मैं बहुत बारी जो मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोगों ने कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ ओदा बड़ा उच्चा पिया, दिन साडे कोले थोड़े है, की असीं इन्हें थोड़े दिनों दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर लईए। जगजीत सिंह डल्लेवाल पंजाब के जाने माने किसान नेता हैं। 2022 में पंजाब में बड़ा किसान आंदोलन किया था, कई साल से किसानों की आवाज उठाते रहे हैं। जगजीत सिंह ने अपने गांव का नाम अपने सरने में जोड़ रखा है। दिल्ली कूच करने वाले 50 किसान संगठनों की अगुवाई कर रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्यों कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे करना है? क्या जगजीत सिंह डल्लेवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए किसी ने कोई स्क्रिप्ट थमाई है, जिसका वाचन जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं? न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सफाई दी है। न्यूज 18 इंडिया ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से विस्तार से बात की, हालांकि अब वो दावा कर रहे हैं कि उनका मकसद राजनीति करना नहीं है। लेकिन पीएम मोदी पर जगजीत सिंह डल्लेवाल का वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले की सच्चाई जानना बेहद जरूरी है। जगजीत सिंह डल्लेवाल का ये ऐसा बयान सामने आया है जो बताने के लिए काफी है कि आखिर प्रदर्शनकारियों का असली मकसद क्या है। किसान नेता और 2022 में कृषि कानूनों पर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य रहे भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि वायरल वीडियो के सामने आने के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। डल्लेवाल जी का वीडियो वायरल हो रहा कि उसके विच कह रहे कि राम मंदिर बनने तो बाद मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, भी वो एक चिंता का विषय नु थल्ले लाना, कि वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। ठीक है, मैं भी देखी है, मैं भी देखी है, बिल्कुल देखी है, और उसके च गल क्लैरिटी मैं लगता मेनू लगता चंगा किया उन्होंने, अपना अपना मन सामने रख दिता, और ये मन सामने आने नाल गल स्पष्ट हो गई है कि पॉलिटिक्स करनी है तो खोल के करो ना, पॉलिटिक्स में आना खोल के आओ, लेकिन छुपा के पॉलिटिक्स करनी ना किसान दा लेके करनी ये ठीक नहीं। जगजीत सिंह डल्लेवाल के बयान पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। सीधा सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके, और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी जी से दूर हट जाएगी, बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को किसानों की मांग मनवाने से मतलब है या मोदी के ऊपर उठे ग्राफ से सरोकार है? सरकार के खिलाफ, सरकार सिखा के खिलाफ इस तरह का एक माहौल सिर्जन की लोग कोशिश करते पे ने, जो शरारती लोग ने, और किसान जथेबंदियों की इस संघर्ष की लाह चुकनिया पे ने राजसी पार्टी। सच क्या है,
क्या किसान आंदोलन शुरुआत से ही हाईजैक है या सोची समझी साजिश के तहत शुरू किया गया एजेंडाधारी लोगों का जमावड़ा है। अन्नदाता सड़क पर हैं तो सिर्फ किसान नेताओं की इसकी चिंता नहीं, इसे चिंतित सरकार भी है। आम लोग भी सड़क पर व्यवधान खड़े होने से परेशान हैं। लेकिन इस बीच जगजीत सिंह डल्लेवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्राफ की चर्चा कर जता दिया है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे नेता सिर्फ किसान की मांग पूरा कराने के लिए सड़क पर नहीं उतरे हैं, बल्कि पीएम मोदी का ग्राफ नीचे करना भी उनका मकसद है। आंदोलन को लंबा खींचने की पूरी तैयारी इसीलिए की गई है। सरकार के समक्ष पहले भी बातें रखी है, अपना जो है MSP खरीद की गारंटी का कानून की और C2+50% डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार दी जाए, किसान मजदूर का कर्ज खत्म किया जाए, जो बाहर से फसलें आ रही हैं उनपे ऊपर जो आयकर लग रहा था उसे जीरो किया जा रहा वो ना किया जाए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में से किसान की सहमति के बिना भी जमीन छीनेंगे, ये बात भी रखी। दिल्ली की सभी सीमाएं सील हैं, क्यों इसका जवाब खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में है। कई महीने पहले से तैयारी, ट्रैक्टर से रिहर्सल, अब तक 40 ट्रैक्टर रिहर्सल, हरियाणा में 10, पंजाब में 30, 100 से ज्यादा बैठकें, 15 से 20 हजार किसान, करीब 2500 ट्रैक्टर शामिल। प्लान बनाना, प्रदर्शन करना और अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना, दबाव डालना, ये लोकतांत्रिक तरीके हैं। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उछालना, लोकप्रियता पर सवाल खड़े करना और सार्वजनिक तौर पर पीएम मोदी का ग्राफ डाउन करने की बात सवाल तो बनता है। किसान नहीं है ये आंदोलनजीवी हैं, किसान तो अपने काम कर रहे हैं, ये किसानों के नाम पर रोटी सेकने वाले लोग हैं। कांग्रेस इन सब लोगों को उकसाती है, कनाडा से फंडिंग होती है, चाइना से फंडिंग होती है। किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों से दिल्ली आएगी। दिल्ली के आसपास के राज्यों से किसान कार, बाइक, रेल, मेट्रो या बस से भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं। यहां तक तो फिर भी किसानों की प्लानिंग समझ में आती है, लेकिन खुफिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और BJP के बड़े नेताओं के घर के बाहर इकट्ठा हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असामाजिक तत्व इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। ये कहते हैं हमने दिल्ली जाना है। दिल्ली किस लिए जाना है? बातचीत करने के लिए ना। तो जिनसे दिल्ली जाके बातचीत करनी है वो सारे मंत्री और अधिकारी जब चंडीगढ़ आ गए तो आपने बात नहीं की। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का यह बयान कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर पहुंच गया है, उसे नीचे लाना है। सवाल उठता है कि किसानों का यह आंदोलन क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक मंशा के साथ किया जा रहा है और इसीलिए किसानों को पूरे साजो सामान के साथ डेरा डालने के लिए बॉर्डर पर कह दिया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल एक बड़े किसान नेता है और किसानों के बीच उनकी बहुत पेंट मानी जाती है, और अगर वो इस तरीके की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के ग्राफ को नीचे गिराना है तो उनके इस बयान से कई सारे सवाल तो खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को भी चोट पहुंचती है। सूत्रों के मुताबिक एक तरफ ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि फसलों के लिए MSP और कर्ज माफी पर किसान आर पार के मूड में हैं और वो केंद्र पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर वही हालात पैदा हो रहे हैं जैसे साल 2020 में हुआ था। आज भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने टोल पर कब्जा कर लिया। लुधियाना में सतलज नदी के किनारे बने टोल पर किसानों ने धावा बोला और उसे टोल फ्री करा लिया। बठिंडा समेत कई जगहों पर किसानों ने रेल रोका, रेलवे की पर्ची पर डेरा डाल दिया। रोकने की कोशिश करने पर किसान विरोधी सरकार का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत में किसानों की कई मांगे मान ली गई हैं, जिसमें किसानों पर दर्ज मुकदमे की वापसी, लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को इंसाफ, विद्युत
संशोधन विधेयक 2020 रद्द हो, 2020 में प्रदर्शन के दौरान दर्ज केस हटे, मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी पर सहमति बन चुकी है। देश अभी एमएसपी गारंटी वाला कानून बने, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो और किसानों का कर्ज माफ हो, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच किसान और पुलिस दोनों अपनी तैयारी में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के बॉर्डर सील हैं। हरियाणा के 7 और राजस्थान के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पिछली बार हुए किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इस बार भी अगर ये आंदोलन जोर पकड़ता है तो इतना ही नुकसान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि किसान संगठन एमएसपी पर जिस कानून को लागू करने की बात कह रहे हैं वो अगर लागू हो जाए तो सरकार को हर साल 10 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। ये भारत के इस साल के कुल बजट का लगभग 20% होगा। इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे। किसान सड़क पर हैं। गनीमत यह है कि ठंड बहुत तेजी के साथ कम हो रही है और आगे लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। पूरा सरकारी महकमा पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने की तैयारी में जुटा हुआ है और इसी बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है। किसानों की तैयारी को देखकर लगता है कि किसान लंबे वक्त तक के लिए बॉर्डर पर रहने वाले हैं। साजिशों के जाल में आंदोलन के फंसकर भटकने का सिलसिला बहुत पुराना है। कितने ही आंदोलनों ने दम तोड़ दिया जिसके पीछे की मंशा स्वार्थ की पूर्ति थी, एजेंडा था। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान तो कम से कम यही बता रहा है कि कहीं कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है।